मिशन डिलीट पर भी कांग्रेस पार्टी डटी हुई है, आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। ये बात कल हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कही। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपना मिनी घोषणा पत्र जारी किया है, 10 गारंटियां हिमाचल की जनता को दी है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इन गारंटियों पर कांग्रेस पर खूब तंज कसे। प्रतिभा सिंह ने कहा, राजा वीरभद्र सिंह भी लोगों की बातें और परेशानियां सुनने के बाद ही घोषणा करते थे और उनको पूरा करते थे, हम उनके दिखाए मार्ग पर ही चल रहे हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरीके की लोगों की समस्याओं को देखते हुए और ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य मैं इन कामों को करूंगा, और उनकी प्राथमिकता रहती थी कि मैं इन कामों को करूंगा और उन्होंने किए अपने कार्यकाल में। उसी तरह से हम भी जो अभी लोगों की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की बात है, बढ़ती हुई महंगाई है, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का सवाल है, और जो गांव में हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर हम हमारे जहन में वो बातें हैं और हमने चाहा कि इसमें हम इन बातों को डालेंगे और जो अपना हमारा घोषणा पत्र होगा और जब वक्त आएगा तब हम इन कामों को अवश्य करेंगे। गारंटियों पर खुद सीएम ने जो तंज कसा है उसको लेकर भी रानी प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हम सरकार बनने पर अपने वादों को पूरा करेंगे। तो उसकी हमें चिंता नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है और हमने जितनी भी ये बातें कही, हमने लोगों को आश्वासन दिया है, पब्लिक में जाकर रैलीज के द्वारा, मीटिंग्स में भी हमने बार बार ये कहा है कि हमारी ये घोषणा है, हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। टिकट आवेदन पर पूछे गए सवाल पर प्रतिभा सिंह ने क्या कहा है आपको हम सुनवाते हैं। देन वील सी, जो जीता हुआ कैंडिडेट है और जो हमको लगता है कि धरातल पर जिसकी पकड़ है, जिसकी जो सीट जीत कर हमको दे सकता है, उन्हीं पर गौर किया जाएगा। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि लोगों में बहुत उत्साह है। तो देखा आपने, एक तरफ जहां बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है मिशन रिपीट की, तो वहीं कांग्रेस मिशन डिलीट में जनता के सामने 10 गारंटियां रख चुकी है और वादा कर रही है कि ये महज घोषणाएं नहीं, सरकार बनी तो वादा पक्का है पूरा हर हाल में होगा। अब ये तो फाइनल जनता ही बताएगी कि वो मिशन रिपीट या मिशन डिलीट के साथ जाती है। हालांकि रण में आम आदमी पार्टी का मिशन क्लीन स्वीप भी है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।